उन किसानों को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण दिक्कत आ जाती है तो सरकार एक संबल बनकर के उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और मजबूती से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम इस मुआवजे के माध्यम से किसानों को किया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी ना। कांग्रेस कहती है सरकार अल्पमत में, कल गवर्नर हाउस भी गए थे जो है कांग्रेस के जो विधायक थे, सर क्या कहेंगे, अब कोर्ट जाने की बात कही गई है। कांग्रेस अल्पमत में है, कांग्रेस वो जो गए थे कम से कम उन्होंने विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं। जिसके पास अगर बहुमत है तो ये इस प्रकार की भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई हो कि सरकार अल्पमत में है। लगातार ये लोग अल्पमत का राग अलापते रहते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, इसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग बैठे थे 12 तारीख को, जब हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने जो विश्वास मत हासिल किया उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठा था, कांग्रेस के और नेता भी बैठे थे, उनके समक्ष फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी सरकार ने बहुमत हासिल किया था, परंतु आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को, गरीब के हित को, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है, प्रदेश को विकास की और ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी के मजबूती पार्टी को मिली बहुत मजबूती, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जिसने कांग्रेस को तो मजबूत किया है परंतु जिसने हरियाणा प्रदेश को भी मजबूत करने का काम किया है। आज वो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी में हमने किरण चौधरी जी का, श्रुति चौधरी जी का धन्यवाद स्वागत किया है और उनसे बड़ी मजबूती पार्टी को मिलेगी। और आने वाले समय के अंदर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर बड़े मैंडेट से सरकार